हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रियलमी मोबाइल में वाटरमार्क कैसे चालू करें। तो गाइस, अगर आप रियलमी मोबाइल के कैमरा का वाटरमार्क चालू कर देते हैं तो जब भी कोई फ़ोटो खींचेंगे, जब भी कोई फ़ोटो क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रियलमी लिख कर आएगा और आपका नाम भी लिख कर आएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कैमरा को ओपन करना है सबसे पहले, फिर आपको ऊपर की साइड सेटिंग पे क्लिक करना है। कैमरा के सेटिंग पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर वाटरमार्क नाम की सेटिंग मिल जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर डेट एंड टाइम को चालू कर देना है, फिर डिवाइस मॉडल को चालू कर देना है। चालू करने के बाद यहाँ पर डिवाइस मॉडल पर क्लिक करना है और यहाँ पर कस्टम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस कस्टम पे क्लिक करके आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ YT, अपना या किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जो नाम लिखेंगे वही नाम लिखकर आएगा। फिर हम डन करते हैं, बैक आते हैं। तो अब गाइस, एक फ़ोटो हम क्लिक करते हैं। देखिए, फ़ोटो मैंने क्लिक कर दिया, फ़ोटो को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलमी शॉर्ट बाई YT, और यहाँ पर डेट एंड टाइम सब शो हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जो मैंने लिखा वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सेटिंग है, इसका उपयोग कर सकते हैं और बाद में चाहें तो आप वहीं पर जाकर बंद भी कर सकते हैं। देखिए, सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आप आकर इसे बंद भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कभी भी नाम चेंज करना रहता है, इसका जो नाम लिख कर आता है, तो आप कस्टम पे आकर फिर से इसे बदल भी सकते हैं। जो यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ SPTechZ चैनल का नाम अपने, फिर बैक आता हूँ और एक फ़ोटो अब क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ओपन करता हूँ फ़ोटो को, तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो का जो वाटरमार्क है चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू।